क्या राहुल गांधी की तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी सांसद ही चली जाएगी? ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब ये मामला क्या है और दिग्विजय सिंह की सांसदी पर कितना खतरा है, आइए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूँ निधि तनेजा। दिग्विजय सिंह से जुड़ा ये केस करीब करीब 9 साल पुराना है। दरअसल साल 2014 में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया था कि विष्णुदत्त शर्मा ने व्यापम घोटाले में बिचौलिए का काम किया है। इस पर वीडी शर्मा ने कहा था कि उन्हें ना तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए आज तक बुलाया गया और ना ही उनको कोई समन जारी हुआ, उनका व्यापम के मामले से कोई संबंध नहीं। लेकिन बात यही नहीं रही। इसके बाद गुस्साए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को आम लोगों ने पढ़ा और सुना है, जिसके बाद उनकी छवि काफी खराब हुई है। इसके बाद विष्णुदत्त शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। MP MLA कोर्ट ने दिसंबर 2022 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 IPC के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में दिग्विजय सिंह फिलहाल जमानत पर है। बता दें कि व्यापम एक ऐसा घोटाला जिसमें कथित रूप से प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए रिश्वत देने वाले लोग शामिल थे। खैर, अब इसी 9 साल पुराने मामले ने दिग्विजय सिंह की नींदें उड़ा दी, क्योंकि बुधवार को भोपाल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने धारा 500 के तहत दिग्विजय के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 1 जुलाई को होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है बनता है वो यही कि क्या मानहानि मामले में आरोप सिद्ध हो गए तो दिग्विजय की सांसदी राहुल की तरह चली जाएगी। बता दें कि दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए और अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। यानी आरोप सिद्ध हुए तो बड़ा झटका ये दिग्विजय सिंह के लिए साबित हो सकता है। वहीं इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, राजनीति में होवे खेलम खेला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात की अदालत ने फैसला दिया है, उम्मीद है कि भोपाल की अदालत भी न्याय संगत फैसला करेगी। गुरु चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। जब एक ही तरह की धारा है तो हमारी मान्यता तो ऐसा, जब वहां की अदालत ने जो निर्णय दिया है वैसा ही यहाँ की अदालत देगी, ऐसी मेरी निजी राय है। यहाँ मतलब नरोत्तम मिश्रा का इससे था कि जैसा फैसला राहुल गांधी के लिए गुजरात की अदालत ने किया, उसी फैसले का यहाँ पर जिक्र है। और याद रहे ये वही धारा 500 है जिसके तहत राहुल गांधी को सूरत की मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह के लिए भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। वहीं अगर व्यापम घोटाला जिसका यहाँ जिक्र है वो भी आप जानना चाहें तो आपको बताएं कि व्यापम घोटाले की जो परतें हैं वो 2013 में तब उठने लगी जब इंदौर पुलिस ने एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के इम्पर्सनेशन के लिए 20 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों ने भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल व्यापम मध्य प्रदेश की ऑटोनोमस सेल्फ फंडेड संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल एग्जाम और सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए बनाई गई है। संगठन हर साल करीब 21 परीक्षा आयोजित करता है। इस घोटाले में कथित तौर पर एक संगठित रैकेट शामिल था जिसने अलग अलग पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश और भर्ती के लिए परीक्षाओं में कथित रूप से धांधली की थी। पुलिस के मुताबिक संदिग्धों ने 2012 और 13 के बीच अधिकारियों को रिश्वत देकर परीक्षा पत्र लिखने, परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था में हेर फेर करने और यहाँ तक कि जाली आंसर शीट की आपूर्ति करने के लिए धोखेबाजों की नियुक्त किया था। आपका इस पर क्या कहना है, पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।